ट्रैक कैसा है, क्या आप इसमें खाली पैर रनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्रैक एक तरह से कहिए तो तीन चार तरह का है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत से बच्चों का कंट्रोवर्सी, मन में अलग सा भ्रम बना हुआ था कि कौन से ग्राउंड पर आपका रनिंग होगा, कौन से ग्राउंड पर पंडाल सज रहा है, कौन से ग्राउंड पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर करेंगे कि कौन सा ग्राउंड पे मेडिकल होगा, कौन से ग्राउंड पे फिजिकल, क्या प्रोसेस होने वाला है और कैसे कैसे होगा, सारा चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो पर पूरा बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अग्निवीर वाले दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले जानिए कि ये जो एम्प्टी ग्राउंड है, भर्ती सबसे पहले यही होता था इंडियन आर्मी अग्निवीर का। सबसे पहले जो ग्राउंड होता था, सबसे पहले जो ट्रेनिंग होता, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा, उससे पिछले बार भी ग्राउंड में ट्रेनिंग तो यहाँ होता था। कोरोना से पहले भी जो आप लोगों का 1600 मीटर का जो फिजिकल भर्ती प्रक्रिया होती थी, बीम और 1600 मीटर की रनिंग, ये सारी प्रक्रिया यही होती थी। ये आप लोग ग्राउंड देख रहे हैं, मगर इस बार इसमें 1% का भी हलचल नहीं है। मोराबादी में तीन ग्राउंड है, एक ग्राउंड आपका एमटी ग्राउंड, दूसरा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो अंदर में सिंथेटिक ट्रैक है, और तीसरा ग्राउंड बन रहा है आपका मोराबादी मेला ग्राउंड में बन रहा है आपका 1600 मीटर का ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, मेला ग्राउंड में आप लोगों का 1600 मीटर का रनिंग ट्रैक बन रहा है। सही नोटिफिकेशन और सही इन्फॉर्मेशन के साथ में थोड़ा सा आपको लेट भी मिलेगा, बट आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। बिल्कुल किसी तरह का कोई फेक वीडियोज़ या फिर किसी तरह का कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको पक्का लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो उस चीज़ को कंफर्म करने में, जब तक फुल कंफर्मेशन हम खुद नहीं होंगे आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे उस विषय के बारे में। आइए जानेंगे कि आप लोगों का जो रनिंग ट्रैक बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। ये आपका मेला ग्राउंड है मोराबादी में, जहाँ पे आप लोगों ने पहले अगर भर्ती दिया होगा या पहले भर्ती देखे होंगे, यहाँ पे पहले रिपोर्टिंग होती थी। अब यहाँ पे बन रहा है 1600 मीटर का रनिंग ट्रैक, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप लोगों का जो स्टेज बन रहा है वो सारा कुछ इधर ही बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इधर समियाना लगना स्टार्ट हो चुका है और अंदर ग्राउंड पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी से दो दिन बाकी है, 28 और 29, 30 तारीख रात से तो फॉर्म यहाँ से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, मगर बिल्कुल भी नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पे आप लोगों को सारा प्रक्रिया मिलेगा, वो भी इंडियन आर्मी है। आप लोग समझ सकते हैं सेना का काम बहुत ही फास्ट में होता है, इसलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सारा काम हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से यहाँ पे आप रनिंग ट्रैक बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका रनिंग ट्रैक बन रहा है जो टोटल 400 मीटर का ट्रैक बन रहा है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ आपको एंट्री बैच बनेगा और इधर से आपको रिपोर्टिंग करना है दैट साइड। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूर में आरसी फिजिकल एकेडमी के सारे बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए आपको ट्रैक का सारा हालचाल बताएंगे कि ट्रैक कैसा है, क्या आप इसमें खाली पैर रनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्रैक एक तरह से कहिए तो तीन चार तरह का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका सैंड, मतलब जो डस्ट गिराया हुआ है वो है। इसमें आप खाली पैर दौड़ सकते हैं, इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे आप, बट आप उस साइड में चले जाएंगे। हम वीडियो को, इस वीडियो में आप लोग मेन ट्रैक को देखिए कि ट्रैक कैसा है और ट्रैक में कैसे आप लोग इसमें वर्कआउट रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे स्लोप है, मतलब बिल्कुल ढलान है। आप इधर से जाते समय आपको अच्छा लगेगा, परंतु उधर से जब आप आएंगे तो उधर से ट्रैक थोड़ा सा रूड़ा रुगड़ी और काटी वाला है, तो उधर से थोड़ा सा आपको आने में काटी वगैरह फील हो सकता है, बट इंडियन आर्मी उसको साफ करवा देगा। तो इधर से अगर इस ट्रैक में रनिंग होता है, जो कि 100% कंफर्म है इस ट्रैक में रनिंग होगा, तो आपको इस ट्रैक में खाली पैर रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी हम लोग इसी ट्रैक पर अभी ट्रेनिंग करेंगे, आप लोग देखेंगे आरसी फिजिकल एकेडमी वाले सभी बंदे अभी इसी ट्रैक पर ट्रेनिंग करेंगे। आप लोग देखिए इन लोगों का ट्रेनिंग कैसा होता है और कैसा चल रहा है। आप लोगों का रिपोर्टिंग जो होगा वो सामने वाले ग्राउंड पे होगा रिपोर्टिंग, और उसके बाद में आप लोग अंदर आएंगे, अंदर में बैच बनेगा और उसके बाद में रनिंग होगा। हो सकता है 100 का बैच बने, हो सकता है 150 का बैच बने, क्योंकि इस बार प्रतिदिन लगभग से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1300-1350 के आसपास में ही बच्चे एक दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बैच नहीं बनेगा, लगभग 150-150 के बैच बनेगा। तब भी आप लोगों का 5-7 बैच बनेगा, उसके बाद में सारा
वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। ये है आपका रनिंग ट्रैक, आपको चारों तरफ ट्रैक की ओर घुमा देते हैं ताकि आपको भी ट्रैक समझ में आ जाए कि ट्रैक कैसा बना हुआ है। ये आप लोग देखेंगे स्लोपी ट्रैक है इस साइड में, थोड़ा सा कीचड़ वगैरह भी है जो कि पिछले बार के अपेक्षा में थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस ग्राउंड में कादो कीचड़ ज़्यादा होता था अपेक्षाकृत इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड में थोड़ा सा आपको कादो कीचड़ कम होगा उस ग्राउंड की अपेक्षा में। उस ग्राउंड पे पूरा एक साइड और दोनों तीनों साइड में लगभग ज़्यादा कीचड़ होता था, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरफ आपको कीचड़ देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे सारा मजबूत मिट्टी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का मिट्टी है जो कि कीचड़ बहुत कम होगा, जिसके कारण से आपको यहाँ पे रनिंग खाली पैर भी करते हैं तब भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप शूज़ पहन के भी करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे रनिंग करने के लिए। सारा इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से लेके एक वीडियो शाम में भी आएगा, आप उसको पक्का देखिए 4:30-4 बजे के आसपास में। ये जितना भी बन जाएगा, जैसा भी ट्रैक बनेगा उसके विषय में ये सारा वीडियो आएगा, आप लोग उस वीडियो को पक्का देखिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और RC फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप एक एक छोटी सी बड़ी अपडेट को आप इन्फॉर्मेटिव रहिएगा, ताकि आप यहाँ पे आएंगे तो सारा कुछ आपको पहले से पता रहेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने अग्निवीर वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हम सिर्फ आप लोगों का रनिंग प्रक्रिया होगा जो कि 1600 मीटर का रनिंग होता है, उसके बाद में जो लास्ट ईयर अंदर में मोराबादी जो स्टेज बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे होंगे साइड बना हुआ है, उसी के नीचे में आप लोगों का मेडिकल और पुलअप्स और PST होगा, जिसमें हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। तो मतलब आपको सिर्फ इधर आना है और 1600 मीटर लगाना है, उसके बाद में सारा प्रक्रिया आपको अंदर में पूरे सिक्योरिटी के साथ में होगा। और ऐसे वर्कआउट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए RC फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।